सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है काला और संस्कृति इसी से रिलेटेड हम लोग पीछे के लेक्चर में प्रश्नों को किए थे और एक से लेकर चालीस तक एक से लेकर चालीस तक हम लोग प्रश्न किए थे और उसके आगे जो है आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं ये जो मुख्य जो टॉपिक है काला और संस्कृति इससे जो है परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और पूछने के भी ज़्यादातर संभावनाएं रहती ही हैं और यहाँ से प्रश्न अधिकतर जो परीक्षाएं होती है वहाँ पे ही वहाँ पर पूछे जाते हैं तो इसलिए मेरे द्वारा जो ये प्रयास है कि कला और संस्कृति से भी प्रश्नों को आप लोग को करा दिया जाए जहाँ से एक भी प्रश्न जो है आप लोग से छूटे मत ओके और आप लोग को अगर ये पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और जो जो क्लासे होती है वहां पर सारी क्लास की पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाती है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा ओके और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक से चालीस तक हम लोग प्रश्न को कर चुके थे आइए हम लोग इकतालीस प्रश्नों को करते हैं देखिए यहाँ पे जो इकतालीस प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी जो समाधि स्थल है कहाँ पर स्थित है ओके तो यहाँ पे अगर देखे तो राइट आंसर जो सी है यह सही में स्थित है कहाँ पे स्थित है तो नादेंड में स्थित है ओके okay. अब ये कहाँ पे ये कौन से शहर में है तो ये महाराष्ट्र शहर में कहाँ पे जो नादेंड है ये किस शहर में है तो ये महाराष्ट्र शहर में स्थित है ओके okay. अब ऐसा क्यों जाना जाता है कि यहाँ पे जो है इनकी समाधि स्थल ऐस है ऐसा इसलिए प्रतीत होता है ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने अपना जो प्राण जो है यहाँ पे त्याग दिया था और शहर के बाहर जो है एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसको हुजूर साहिबा के नाम से वह जो गुरुद्वारा है वह चलता है हुजूर साहिबा किसके नाम पे चलता है तो वह हुजूर साहिबा के नाम पर जो है वह जो गुरुद्वारा है वह चलता है और इनकी समाधि स्थल भी कहाँ पे है नादेण में ओके आगे देखिए प्रश्न बयालीस बयालीस जो प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी तो देखिए तो ऑप्शन सी जो हो रहा है ये सही हो रहा है पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु कहां पे हुई थी तो पावापुरी में हुई थी ओके इनकी जो 500 कह सकते हैं पांच सौ सताइस ईसा पूर्व पांच सौ सताइस ईसा पूर्व जो है बिहार राज्य के पावापुरी में इनका जो है मृत्यु हो गया था किनका तो महावीर जैन का ओके आगे प्रश्न देखिए तैतालीस तैतालीस प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे तो ये जो थे कहाँ के मूल निवासी थे तो आगरा के मूल निवासी थे कहाँ के मूल निवासी थे तो आगरा के मूल निवासी थे और इनका जो जन्म और परिवार गालिब था इन सब जो है आगरा में ही इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका पूरा परिवार रहता था आगे प्रश्न देखिए चौवालीस चौवालिस प्रश्न है कि किसकी समाधि होने के कारण नाडेड नादेंड गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है तो आपको अभी बताए नाडेंड के बारे में महाराष्ट्र शहर में स्थित है तो ये गुरु गोविंद से के लिए जाना जाता है राइट आंसर जो डी हो रहा है यहाँ पे ये सही हो रहा है आप लोग को बताएं है कि नादेड है ना और हुजूर साहिबा के नाम से जो है यह प्रसिद्ध है ये चलता रहता है और गुरु गोविंद सिंह थे यहाँ पे इन्होंने अपना प्राण जो है त्याग किए थे आगे प्रश्न देखिए पैंतालीस पैंतालीस प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो राइट आंसर ए जो है सैयद चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो चैतन्य महाप्रभु इनका जाना जाता है पूरा नाम जो है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ठीक है क्योंकि सोलहवीं शताब्दी के दौरान ये जो है बंगाल में यह जो है आंदोलन आरंभ हुआ था कौन सी शताब्दी तो सोलहवीं शताब्दी ओके ध्यान रखिएगा आप लोग आगे देखिए ये जो थे किसके दर्शन शास्त्री थे तो जो चैतन्य महाप्रभु है ये रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य के जो है ये दर्शन शास्त्री माने जाते थे आगे प्रश्न देखिए छियालीस छियालीस प्रश्न है कि शिकांगो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था अच्छा सा ये प्रश्न है तो भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो थे वह थे स्वामी विवेकानंद राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वह तीस वर्ष की जो अवधि में ही वह शिकांगो के मतलब शिकांगो कहाँ अमेरिका के अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उस समय जो है हिंदू धर्म का जो है प्रतिनिधित्व जो है अच्छे तरीका से किए थे कौन किए थे तो स्वामी विवेकानंद ने किया थे सैतालीस प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के आंदोलन के पिता कौन पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे तो देखें तो यहाँ लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय थे ध्यान रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय याद हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है तो राजा राम मोहन राय आगे प्रश्न देखिए अड़तालीस अड़तालीस प्रश्न है कि मलराज सतीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महल मतलब कह रहा है कि मलराज सतीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी तो देखें तो राइट आंसर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी ऑप्शन जो बी है यह सही हो रहा है महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई थी बहत्तर वर्ष की आयु में बहत्तर वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी की जो मृत्यु है यहाँ पे जो निकट है राजगिरी पावापुरी में मलराज सतीपाल के महल में हुई थी ओके और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था तो चार सौ अड़सठ ईसा देखते हैं प्रश्न संख्या उनचास उनचास प्रश्न है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुवपद गायिका के जन्मदाता तान को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी अच्छा सा ये प्रश्न है साथियों तो इनकी उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था ऑप्शन जो बी हो रहा है यह सही होगा अकबर याद करना होगा संगीत संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका के जो जन्मदाता थे तानसेन ये इनके जो जन्मदाता कौन थे तानसेन और तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि किसने दी थी तो अकबर के द्वारा दी गई थी पचास प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी तो महाराजा खेत्री ने इनकी उपाधि प्रदान की थी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है महाराजा खेत्री ने किया था ओके याद करना होगा क्योंकि राजस्थान के सेखवाटी अंचल में खेतरी के राजा जो थे वह कौन थे तो अजीत सिंह थे कौन थे दोस्तों तो वह थे अजीत सी थे और उन्होंने विवेकानंद से पहले सचिदानंद और विशिदानंद के नाम से जो है वह प्रसिद्ध थे ठीक है तो खेतड़ी खेतरी आपको पता होना चाहिए खेतड़ी कहाँ पे है तो राजस्थान में जाना जाता है आगे देखिए प्रश्न जो है एक कावन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया था तो राइट आंसर यहाँ पे देखे तो सी ऑप्शन सही रामानंद ने प्रयोग किए थे कौन प्रयोग किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग तो रामानंद के द्वारा जन्म का, का जन्म तो वाराणसी यूपी जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है संत कबीर का जन्म हुआ था अगर भारतीय परंपरा के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो तेरह से लेकर तेरह से लेकर 1518 तक ये जिए थे और गुरु नानक और सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे कबीर जो थे ये गुरु नानक के समकालीन थे गुरु नानक और सिकंदर लोदी दोनों के जो है ये समकालीन थे ठीक है जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रश्न को और पूछा भी जाता है प्रश्न और कबीर का जो जन्म आप लोग को बताइए दिए काशी के लहर तारा जगह पर हुआ था वाराणसी में तो है एक लहर तारा जगह है लहर तारा यहीं पर जो है कबीर का जन्म हुआ था आगे प्रश्न देखिए 53 53 जो प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था तो आपको पता है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था जो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था 54 प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित है बुद्ध किस वंश से संबंधित है तो शाक्य वंश से संबंधित है राइट आंसर जो यहां पे सी हो रहा है ये सही वु किस वंश से संबंधित तो है तो यह संबंधित है पचपन प्रश्न है क्या नाम था ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का वर्धमान ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था तो महावीर का नाम वर्धमान था इसके बाद देखिए छप्पन प्रश्न छप्पन प्रश्न है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे निम्न में से जो है कौन संत महाराष्ट्र से थे तो यहां पे देखें तो तुकाराम जो है सी ऑप्शन ये ये सही हो रहा है तुकाराम जो जो थे ये जो था एक प्रकार के संत थे और ये कहां से थे तो महाराष्ट्र से थे आगे देखिए संतावन प्रश्न संतावन प्रश्न है कि दक्षिण भारत के अलवार कौन जाने जाते हैं दक्षिण भारत के अलवार कौन जाने जाते हैं तो संत जाने जाते हैं सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है ओके दक्षिण अलवार जो थे संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं अलवार जो थे ये अलवार संत भक्ति संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते थे और ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे अंठावन प्रश्न देखिए अंठावन प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत होगा बलवाचार गुजरात नहीं होगा कहाँ पे हो जाएगा तो बलवाचार छत्तीसगढ़ हो जाएगा बल्वाचार्य पे होगा तो बल्वाचार्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा ओके तो ये डी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है गुजरात नहीं होगा आगे प्रश्न देखिए उनसठ प्रश्न कह रहा है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिबा में हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ये पटना साहिबा में हुआ था साठ प्रश्न देखिए साठ प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह थे गुरु गोविंद सिंह थे वह सिखों के दसवें गुरु और अंतिम गुरु यह भी सही लग रहा है सही है सिखों की आंतरिक कौशिल खालसा पंथ के संस्थापक याद करना होगा खालसा पंथ के संस्थापक जो थे गुरु गोविंद सिंह थे बिल्कुल सही बात है और दसम ग्रंथ के रचयिता भी थे तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही सही है पे सभी सही तो ध्यान रखना होगा आप लोग को गुरु गोविंद सिंह थे ये दसवें गुरु थे और अंतिम गुरु थे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ही थे और दसम ग्रंथ के रचयिता गुरु गोविंद सिंह थे एकसठ प्रश्न कर रहे हैं कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में तो यहाँ पे देखें तो जहांगीर के शासन काल में थे किसके शासन काल में थे सी गुरु तो जहांगीर के शासन काल में थे आगे देखिए प्रश्न बासठ खालसा पद की खालसा की स्थापना किसने की अभी जस्ट आप लोगों को बताए गुरु गोविंद सिंह ने की है खालसा की स्थापना किसने की तो गुरु गोविंद सिंह ने की आगे प्रश्न देखिए तिरसठ तिरसठ प्रश्न है कि राग मिया की मल्हार की रचयिता किसके किसे माना जाता है राग मिया की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है तो देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन पे ए ऑप्शन जो हो रहा है तानसेन यह बिल्कुल सही होगा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा तानसेन को मिया की मल्हार के रचयिता के नाम से जाना जाता है आगे देखिए चौसठ प्रश्न चौसठ प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी तो त्रिशाला आप लोग याद करिएगा महावीर की माता त्रिशाला थी कौन थी दोस्तों तो महावीर की माता त्रिशाला थी पैंसठ प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक डैश थे अमीर खुसरो एक कवि भी थे एक इतिहासकार भी थे और एक संगीतज्ञ थे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है उपरोक्त सभी मतलब कवि अमीर खुसरो थे सारे थे कवि भी थे इतिहासकार भी थे हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया है बहुत सारी रचनाओं को लिखा है छाछठ प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आत्मा रंग पांडुर रंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे ए ऑप्शन सही हो रहा है सड़सठ प्रश्न है एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम काल अनुक्रम सही हो रहा है तो ए ऑप्शन के बात करिए सही हो रहा है शंकराचार्य रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है अड़सठ प्रश्न है कि राजा रा, राजा राम मोहन राय किस चीज के संस्थापक थे तो ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय किस चीज के संस्थापक थे तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे अब देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रश्न आ गया इतना सारा प्रश्न था आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था उनहत्तर प्रश्न एक निम्नलिखित में से कम एक उत्तर भारतीय नृत्य है तो उत्तर भारतीय नृत्य की बात करेगा तो कथक जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा एक उत्तर भारतीय नृत्य है और हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें तो ये हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा सत्तर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश याद करिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का इकहत्तर प्रश्न है कि मोहनी अटम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ एक लोक नृत्य माना जाता है मोहनी अटम याद करिएगा केरल जहां भी आपको मोहनी अटम दिखा देगा वह केरल और आप लोग याद कुचिपुड़ी कहेगा तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश क्लियर है आगे देखिए बहत, बहत्तर केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है याद हो जाएगा आप लोग को केरल क्या हो जाएगा कथक कली हो जाएगा ओके तिहत्तर प्रश्न कि भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है तो तमिलनाडु आप लोग याद कीजिएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु भारत क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा चौहत्तर प्रश्न है कि कथक कहाँ के नृत्य है तो कथक कहाँ का नृत्य है तो कथक उत्तरी भारत का नृत्य हो जाएगा ठीक है डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है पचहत्तर प्रश्न देखिए पचहत्तर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है, है? तो कथक कली केरल हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा कथक कली कथक 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 कली, कली कहाँ पे हो जाएगा साथियों तो कथक कली केरल हो जाएगा कथक कली कहाँ पे होगा केरल हो जाएगा याद हो जाएगा आप लोग को आगे प्रश्न देखिए छिहत्तर प्रश्न यहां पे कह रहा है कि छिहत्तर देखिए छिहत्तर प्रश्न करे कि कौन सा जो है इनमें से सुमेलित नहीं है तो अभी कथक कली आपको केरल बताएं लेकिन यहां पे कथक कली कर्नाटक दिया है इसलिए ये क्या है बी ऑप्शन गलत हो गया ठीक है बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है सतहत्तर प्रश्न देखिए सतहत्तर निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है तो मणिपुरी जो हो जाएगी जो हो जाएगी देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत में शामिल ये नहीं है मणिपुरी अठहत्तर प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह कथक कली से संबंधित है किससे संबंधित है कथक कली से संबंधित है उनासी प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सदीर तो सदीर जो हो जाएगा भारत नाट्यम का प्रसिद्ध जो है नाम माना जाता है सदीर किस नृत्य का जो है प्राचीन नाम है तो भारत नाट्यम का अस्सी प्रश्न देखिए किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है तो कथक कली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है राइट आंसर बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है ये ठीक है तो हम लोग चालीस से लेकर अस्सी तक प्रश्नों को किए कैसा लगा आप लोग को ये क्लास जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट करिएगा लाइक करिएगा जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को ओके तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तो आइए हम लोग आगे मिलते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं सभी को थैंक यू दिल से धन्यवाद